गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज के सेशन में हम लोग एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्म एनिमल्स। किस तरह से हम एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या इनके मेथड्स है। तो रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एनिमल को आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। कई बार ये ऑप्शन में आ जाता है आपके, तो इनके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है टैटूइंग, दूसरा है टैगिंग, तीसरा है ब्रांडिंग, चौथा है आपका नोचिंग। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ बोलिए, आपको यहीं पर याद कर लेनी है बाद के लिए, कुछ नहीं। बताओ मेरे को, अगर आपको फार्म एनिमल को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं, या सबसे पहले बोलिए टैटूइंग, दूसरा है टैगिंग, तीसरा है ब्रांडिंग, चौथा है आपका नोचिंग, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका टैटूइंग। तो भाई नाम से पता चल रहा है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, या आपको यहाँ पे हम लोग टैटू बनाते हैं, जैसा बनाते हो ना अपने हाथ पे, अपने कोई बनाते हैं अपने फेस के पीछे, कई लोगों को मैंने देखा है उस अपने पीठ में बिच्छू बना लेते हैं, सांप बना लेते हैं। अरे भाई, अगर आपको सांप का इतना शौक है तो सांप लेके घूमिए ना, आप पीछे पीठ के पीछे जाके टैटू बना लेते हो सांप का, क्या मतलब है। खैर, अपनी अपनी च्वाइस होती है। तो चलिए बात पे आते हैं हम लोग। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कोई कैटल है, कैटल ऐसे होता नहीं, बस आप समझ चलिए, ठीक है, ये कोई कैटल है, आपको मैं बोलूँ कि इस कैटल के शरीर पे आपको टैटू बनानी है, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से ऐसे साइट को हम चूज़ करेंगे जहाँ पे हम टैटू को बना सकते हैं। या आपको, आप सही सोच रहे हो, उसके पीठ पे सोच रहे थे क्या आप भाई, पीठ पे कैसे बनाओगे, जरा खुद के दिमाग पे जोर डालिए कि आप अगर पीठ पे बना दोगे तो इसके यहाँ पे बहुत हेयर्स होते हैं, तो क्या वो टैटू आपको दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमको कहीं ना कहीं ऐसे साइट को चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे इसके बाल नहीं होते। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैटल के ऐसे कौन सा जगह होते हैं जहाँ पे इसके बाल नहीं होते। आप देखेंगे तो पूरा इनके शरीर पे होता है, फेस पे भी लगभग होता ही है, तो कहाँ पे नहीं होता है। सही सोच रहे हो, सर इसके कान के पीछे, जो कैटल के कान होते हैं ना, कान के ऊपर तो बाल होता है लेकिन कान के पीछे जो है यहाँ पे वो हेयर्स नहीं होते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टैटू बना देते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ फोटोग्राफ में, ये क्या है कैटल का, ये ईयर है, ईयर के पीछे वाले साइड में, इनर वाले साइड में क्या करते हैं, टैटू बना देते हैं, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बाल नहीं है तो फर्दर ये हमारा टैटू जो है वो लॉन्ग टर्म तक आपको दिखाई पड़ेगा, आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर यहाँ बाल वाले पोर्शन बना दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बाल से वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा, कवर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे प्लेस को चूज़ करते हैं जहाँ पे बाल नहीं हो, है ना, हम लोग यहाँ पे फिर टैटू बना देते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप यहाँ पे टैटू बना दिए फिर आपको बोलूँगा कि भाई इसको आइडेंटिफाई करो, तो आपको हर एक कैटल का कान जो है पलट पलट के देखेगा, और एक बार घुसा मार दिया ना तो फिर आप खोज भी नहीं पाओगे टैटू कि हमारा एनिमल कौन सा है, ठीक है। तो ये मेथड उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैटल हैं, इसमें आपको मैं बोलूँ कि जाओ और अपने कैटल को आइडेंटिफाई करो तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको हर एक कैटल के कान को पलट पलट के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस मेथड को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट फिर भी एक मेथड है फार्म एनिमल को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा मेथड आता है टैगिंग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो कैटल होते हैं उसके कान में हम लोग टैगिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपके जो घर में काऊ होंगे उसके कान में हम टैगिंग करवा देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होता है, क्योंकि देखो मैं खुद जब एनिमल हस्बेंड्री की क्लास कर रहा था, जब मैं कॉलेज में था, तो हम लोग गए हुए थे जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं ना, एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट, उसके तरफ से हम लोगों भी को मौका मिला था जाने का विलेजेस में। तो वहाँ पे लोग ना मना कर रहे थे, नहीं काऊ को काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, मत कीजिए टैगिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जो लड़कियां होती हैं ना, जब वो कान छिदवाती हैं तो जितना पेन होता है, हल्का सा लगेगा बस कुछ चुभा है, उसी तरह से एनिमल को कोई भी कष्ट नहीं होता, ना ही उसके कान भारी होते हैं। बल्कि ये गवर्नमेंट के तरफ से चलाया गया एक स्कीम माना जाता है, जो कि रियली काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए जब भी टैगिंग की ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली करवाइए, इससे कोई नुकसान नहीं होता कैटल को, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनके कान में हम टैगिंग करवा देते हैं कुछ इस तरह से, आपने देखा होगा, ठीक है। और देखिए, है ना, तो सबसे बेस्ट मेथड, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है,
इन सारे मेथड जो कि मैं आपको बताया अभी कि इसके मोस्टली 4 मेथड्स हैं, तो इन सारे मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो याद रखिएगा टैगिंग जो है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है फार्म एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए। भूलिएगा नहीं ना, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, टैगिंग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने 2 मेथड को पढ़ लिया, टैगिंग और टैटूइंग। ठीक है, थर्ड आता है आपका ब्रांडिंग। अब इसमें क्या होता है भाई, ब्रांडिंग में क्या होता है, ध्यान सुनना, ये लिखा हुआ बाद में पढ़ लीजिएगा, ये आपको मैं PPT शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान सुनना, ये दिखाई पड़ रहा है, ये रॉड है। ठीक है, एस शेप का रॉड है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये रॉड को गर्म करते हैं, यहाँ पे कुछ या फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ नंबर लिखा रहता है, इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद एनिमल के बॉडी पे चिपका देते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये गर्म करके लाया और लाके एनिमल के बॉडी पे चिपका दिया। अब सर सोचिए, एक गर्म रॉड जिसपे कोई सेप बना हुआ है उसको आप ला रहे हो और एनिमल के बॉडी पे चिपका दे रहे हो, सो जरा सोचो एनिमल को कितना पेन होता होगा, बहुत हैवी पेन होता है। तो ये जो है मोस्टली करते हैं लोग, लेकिन ऐसे मेथड को यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे एनिमल को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और ये हाँ, ये आपका परमानेंट मेथड माना जा सकता है, ये जो है आपका ये परमानेंट मेथड तो हम मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम परमानेंट मेथड मानते हैं क्योंकि फिर फर्दर वहाँ के हेयर्स जल जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे परमानेंट आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे देखिए आप दूर से भी देखेंगे इसको आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा, गर्म रोड लाया होगा, 101 और एस लिखा हुआ और उसको चिपका दिया इसके बॉडी पे। ठीक है, आप भी परमानेंट मेथड बोल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें जो है केटल को बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, जरा खुद सोचिए ना, अगर मैं एक गर्म रॉड लाऊं और आपके बॉडी पे चिपका दूं तो आप कैसा महसूस करेंगे, क्या एनिमल भी तो वैसा है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट ये परमानेंट मेथड माना जाता है लेकिन बेस्ट मेथड नहीं है। ठीक है, अगला आता है नॉचिंग। नॉचिंग में क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, नॉचिंग में क्या करते हैं, इनके कान को काट देते हैं। ये देखिए, है ना, हमने क्या किया, नॉचिंग कर दिया, इनके कान को काट दिया। बट मोस्टली हम नॉचिंग पीक के अंदर करते हैं, देखिए ये इसके कान को कितना खूबसूरत बना दिया है ना, देख पा रहे हो कि कान को कितना खूबसूरत कर दिया है ये। तो नॉचिंग हम लोग मोस्टली पीक में करते हैं। ठीक है, नॉचिंग में क्या करते हैं, कान को कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ चारों मेथड। चलिए, मैंने आपको बताया अभी तक कि भाई एनिमल को आइडेंटिफाई करने का 4 मेथड्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा है मेरे साथ बोलिए, फटाफट बोलिए, मैं यहाँ पर आपको एक रिकॉल करवा देता हूँ। इनके 4 मेथड्स हैं, टैटूइंग है, टैगिंग है, ब्रांडिंग है, नॉचिंग है। टैटू में क्या करते हैं, कान के पीछे हम टैटू बना देते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको आप डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस से आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, केटल के कान को आपको पलट के देखना पड़ेगा, तो उतना अच्छा मेथड हम नहीं मानते हैं। फिर आपका है टैगिंग, जो कि सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, कान में हम क्या टैग लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड है। थर्ड आपका आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बेस्ट मेथड भी है, बट उतना ज़्यादा, ये देखिए ब्रांडिंग को हम परमानेंट मेथड मानते हैं, ये परमानेंट मेथड है, लेकिन इससे लिमिटेशन क्या है कि एनिमल को इसमें हैवी पेन होती है। ठीक है, और नॉचिंग में क्या करते हैं, कान को काट के हम कुछ कोई सेव दे देते हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट मेथड, बस आपको एक ही याद रखना है, सबसे बेस्ट मेथड टैगिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप सो आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। कोई भी डाउट है तब मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, है ना। और आपको इतना ही बात याद रखनी है, बाकी इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।